Hello friends, welcome to our channel Science Emporium. Here is our new project of NOT gate. In this project we will learn how to make NOT gate with the help of transistor. In this we have used transistor 547B. I will show all the details on the screen with the help of resistance, switches, battery and LED. So first of all we will see what are the components required to make this circuit. Number one is battery cap, battery 9 volt, connecting wires. Resistance 330 ohm, one resistance, and resistor 10k ohm, one resistance. Transistor 547B and LED, red color LEDs. These are the components that we will use. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा NOT gate होता क्या है. NOT gate आप ये कह सकते हैं NOT gate is an inverting gate, means ये हमारे इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है. अगर हमारा इनपुट सिग्नल जीरो है तो हमारा आउटपुट डेट वुड बी हाई. अगर इफ इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी हाई, इफ इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी लो. सो इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल सी होती है. इफ इनपुट इज जीरो देन आउटपुट इज वन, एंड इनपुट इज वन देन आउटपुट इज जीरो. अब हम इसका पहले सर्किट का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सर्किट कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. ये इसमें इसकी थ्योरी दी हुई है, ये आपके सोल्डरिंग के लिए. ये हमारा एक कार्ड, इसमें एक कार्डबोर्ड शीट है, ये हमारी कार्डबोर्ड शीट है, ये हमारा पेपर है. सबसे पहले हम ये सर्किट इसमें से उतार के इस कार्डबोर्ड शीट पर पेस्ट कर लेंगे. ये हमने इस कार्डबोर्ड शीट पर पेस्ट कर लिया जिससे हमें कंपोनेंट्स लगाने में आसानी हो. अब हमें क्या करना है, इस पिन की हेल्प से जो आपको अपने घर पर मिल जाएगी, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर टू होल्स कर देंगे. रेजिस्टेंस के लिए टू होल, स्विच के लिए, बैटरी के लिए और ट्रांजिस्टर के लिए हम यहाँ पे इसमें थ्री होल करेंगे. देखिए कैसे. ये हमने सब में होल कर लिए. अब हम कोशिश ये करेंगे कि ये वाला सर्किट भी हम विदाउट सोल्डरिंग बनाएं. अब जितने भी ये हमारे कंपोनेंट्स हैं ये सब हम इसमें फटाफट इंसर्ट कर लेते हैं. सारे कंपोनेंट इंसर्ट कर लिए. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजिस्टर, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है ट्रांजिस्टर के थ्री लेग. हम ट्रांजिस्टर के थ्री नोड लेग्स में एक भी वायर लगा देंगे जिससे हमारे सारे कनेक्शन इजी हो जाएंगे. हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है और ये रेजिस्टेंस जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है. तो पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे. ये हो गए. अब हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जो है सेकंड रेजिस्टेंस 330 ओम्स का, ये स्विच से कनेक्टेड है. कनेक्शंस के लिए मैं सिंपल टिन वायर यूज कर रहा हूं. आप नॉर्मल वायर जो इसमें प्रोवाइडेड है इसको भी यूज कर सकते हैं. अब हमारा स्विच, स्विच का ये स्विच का जो सेकंड सिग्नल है ये हमारे बेस से कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर के बेस से. ये हमने बेस से स्विच कनेक्टेड किया. अब सर्किट को दोबारा देखते हैं. अब हमारा जो एमिटर है, ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है, एलईडी का जो नेगेटिव है और बैटरी का नेगेटिव, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है. का जो नेगेटिव है बैटरी के नेगेटिव से ये कनेक्टेड है. अब हम बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वही तो आने वाला काम करेंगे. बैटरी का सिग्नल हम यहाँ से लेंगे, रीजन ये है जिससे हमारे सर्किट शॉर्ट ना हो. बैटरी का
एमिटर बेस कलेक्टर। कलेक्टर जो है रेजिस्टेंस R2 से कनेक्टेड है और बैटरी का ये LED का पॉजिटिव भी R2 से कनेक्टेड है। R2 से दो कनेक्शन है, ये इसका कलेक्टर है और LED का निगेटिव है, ये हमारे रेजिस्टेंस। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। अब हम इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। देखिए, ट्रुथ टेबल जब हमारा सिग्नल लो है तो आउटपुट 1 है। ये हमारा सिग्नल लो है, 0 है। सिग्नल इज लो, आउटपुट इज 1। सिग्नल इज लो, आउटपुट इज 1। अब हम सिग्नल को हाई करते हैं, देन आउटपुट इज लो। सिग्नल हाई, आउटपुट लो। सो हियर वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉट गेट। Subscribe our channel for more such videos. Thank you.